वेडिंग एनिवर्सरी आने ही वाली थी और मैडम कई बार पूछ चुकी थी, अभी तो हम गंगोत्री यमुनोत्री होके आए हैं, फिर एनिवर्सरी पर तो कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ कहीं दूर तो नहीं जाएंगे, पर कहीं तो ज़रूर जाएंगे। इस बार हम मसूरी जाएंगे। वैसे हम कल कहीं जा रहे हैं ये हमारे आज को भी नहीं पता होता, सारी तैयारी बस कुछ घंटों पहले ही करते हैं। दोपहर को फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम मसूरी जा रहे हैं, तो निकल पड़े और पहुंच गए हरिद्वार से देहरादून। मसूरी तो मैं पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन ऐसे कभी नहीं कि घर से दोपहर में निकलकर शाम में मसूरी पहुँचा हूँ। तो ये जर्नी थी तो कुछ अलग। देहरादून से मसूरी चढ़ते हुए शाम से रात होने वाली थी और तभी हमें देखे कुछ ऐसे नज़ारे जो थे तो बहुत खास, पर इसकी जानकारी हमें नहीं थी। जिसे हम साधारण सा सनसेट समझ रहे थे वो था विंटर लाइन, और इस विंटर लाइन की खास बात यह है कि ये दुनिया की कुछ चुनिंदा जगह से ही नजर आती है, उनमें से मसूरी एक है। लास्ट में भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं, ये देख लेते हैं कि होटल थोड़ा ठीक ठाक सा हो, देखते हैं कैसा मिलता है। वो जा रहे सामने भाई हमारे। और फिर कल पूरा दिन घूमेंगे, नई नई जगह को एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि मसूरी मैंने वैसे घूमा है नहीं पूरा का पूरा, लेकिन हाँ पहला जो कदम रखा है ना मसूरी के अंदर, एक चिंता मेरे को थी कि यार रूम कैसा मिलेगा, वो ठीक मिल गया। देखो हमारी बाइक का फ़ायदा ये है कि हमें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं, हम बाइक से जाएंगे जहाँ भी जाना है और आराम से आ भी जाएंगे। जो लोग बाहर से आते होंगे, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और अगर अंदर हो होटल, उस केस में फिर हमें भी ऐसे ही पैदल पैदल आना पड़ता है, पर हम पैदल नहीं, हम बाइक से जाएंगे। जो हमारी सबसे बड़ी टेंशन थी कि अब लेट पहुंचे हैं मसूरी तो पता नहीं होटल में रूम कब मिलेगा और कैसा मिलेगा, वो टेंशन तो हमारी दूर हो चुकी थी क्योंकि होटल मॉल रोड के पास भी था और रूम भी हमें अच्छा ही मिल गया था। तो बस अब रूम लेने के बाद हम निकले हैं वापस लाइब्रेरी चौक की तरफ मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए।
लाइब्रेरी चौक पर अपनी बाइक पार्क करके अब हम पैदल पैदल आगे मॉल रोड घूमने के लिए। अब इस मॉल रोड को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लंबा रास्ता था, दोनों तरफ बहुत सारी शॉप्स। एक पॉइंट पर जाने के बाद आपको मिलता है एक ऑप्शन जहाँ से आप केबल कार के थ्रू गन हिल पॉइंट पे जा सकते हो, जहाँ से आपको हिमालय के व्यू मिल जाते हैं। हालांकि हम लेट हो चुके थे तो ये केबल कार इस समय बंद हो चुकी थी, तो बस हम शहीद स्मारक पर कुछ टाइम स्पेंड करके मॉल रोड से वापस निकल गए। बहुत देर से मॉल रोड पे घूम तो रहे हैं, लेकिन अब किसी से पूछना पड़ेगा कि करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। पूरी मॉल रोड पर कुछ नहीं खाया, पता है क्यों? क्योंकि हर एक डेस्क पे जो अंडे पड़े हैं ना, उसमें मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर बिना नॉनवेज का कुछ है नहीं, और नॉनवेज मैं खाऊंगा नहीं, और जहाँ नॉनवेज बनेगा वहाँ भी नहीं खाऊंगा। ये देखो, आइसक्रीम से करतब दिखा रहा है भाई। अब आई लव मसूरी पे बहुत देर से फोटो लेने की कोशिश करी, लेकिन कभी कोई आ ही जा रहा है। पूरा मॉल रोड घूम लिया, भूख लग रही है बहुत तेज। तलाश है सिर्फ एक फुल वेजिटेरियन, कंप्लीट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की, क्योंकि यहाँ सब जगह नॉन वेज मिल रहा है। प्योर वेज अब दिखने लग गए भाई प्योर वेज वाले, तो कोई एक चूज करते हैं और बैठते हैं वहाँ पर खाने के लिए। तो भाई इस सामने वाले रेस्टोरेंट में खाने के लिए वेटिंग चल रही है। 3 नंबर है हमारा, जब वो डिस्प्ले में 3 दिखाई देगा तब हमें जाना है। सही है भाई, ऐसी वेटिंग तो भंडारे की लाइन में भी नहीं की मैंने, क्योंकि वेजिटेरियन ना गिनती के हैं यहाँ पे। एक ये है, एक वहाँ पर था, 3 दिखे हैं, 3-4 दिखे हैं, बट वो वही वाली बात है ना भाई, ने 3 नंबर की वेटिंग दी है हमें। कौन सा? बाकी सब नॉन वेज वाले हैं। वेजिटेरियन खाना खाना है तो वेट करो, 1 नंबर चल रहा है अभी 1 है, एक स्लॉट है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तब हम जाएंगे। अरे तीन आगे, चलो 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 चलो, 3 नंबर आ तो गया भाई, 3 नंबर हो गया खाली। वैसे तो आसपास हमें और भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दिख गए थे, लेकिन इस रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग आ जा रहे थे, तो हमें लगा शायद यहाँ का खाना अच्छा होगा, इसलिए यहीं पे आके बैठ गए। बाकी ये मेन्यू देखना तो फॉर्मेलिटी होती है, कुल मिला के हमें खानी दाल और रोटी ही होती है जो हमने ऑर्डर कर दी थी। बस खाना जब तक टेबल पे आया था ना, तभी तक खुशी थी, दाल इतनी स्पाइसी थी मेरा दिमाग खराब हो गया। इसको आपको आपको नहीं लगी ना? मैंने इसके ऊपर हरी मिर्च खाई है। टेस्ट तो अच्छा था यार, बस भैंस के यार, अगर दही ना होती ना मैं ना खा पाता, अभी तक धुएं निकल रहे हैं यार मेरे कान से। ये अपनी बाइक यहाँ खड़ी की हमने, एक बड़ी दिक्कत ये है कि पार्किंग स्थल है नहीं, तो पार्किंग बाहर ही करनी पड़ रही है।